हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेए स्टडी। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल एकदम डिटेल तरीके से, अच्छे तरीके से, कि DFCCIL में आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में बस आप बने रहिएगा लास्ट तक, एकदम आपको हर एक चीज, हर एक आपको जो भी डाउट्स है, सारी चीजें एक एक करके क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल अच्छे तरीके से, मस्त तरीके से। ठीक, तो यहाँ जैसा दिख रहा है आप लोगों को, DFCCIL सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करने वाले हैं आज के दिन। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हम एक नोटिफिकेशन देखते हैं, DFCCIL की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसमें हम लोग पूरी तरीके से देखेंगे कि किस तरीके से हम हमारा क्या कौन कौन से स्टेप से हमको होके जाना होता है, कौन कौन से स्टेप से हमको फॉलो करना होता है। ठीक है, तो वहां से हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे आपका जा रहा है। ठीक है, तो DFCCIL का नोटिफिकेशन हमें मिल चुका है। अब ये नोटिफिकेशन जैसे ही खुल जाएगा हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि DFCCIL का नोटिफिकेशन जो है वो क्या क्या करना है। तो पहले तो जैसा हम लोगों को पता है कि हम लोगों को CBT करना है। क्या करना है बच्चे? CBT। तो CBT जो होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में आपका क्या होगा, उसमें आपको जैसे आपको बताया गया है कि आपके 120 मार्क्स टोटल रहेंगे, 120 क्वेश्चन रहेंगे आपके, माइनस मार्किंग जो रहेगी आपकी कितनी रहेगी, 1/4 की, 1/4 यानी 0.25। ओके, तो इतनी रहेगी आपकी। और जो आपके 120 है, 120 में से 96 जो है आपके टेक्निकल के, और 24 आपके नॉन टेक में आपके क्या होंगे, जनरल नॉलेज होगा आपका, क्या होगा, GK होगा और रीजनिंग होगी। ठीक है, एप्टीट्यूड होगा। और आपके जो 96 में आपका क्या होगा, सिविल इंजीनियरिंग है तो सिविल इंजीनियरिंग का, और मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, जैसा आपका ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग। ठीक, तो यहां देखेंगे कि उसका सीबीटी एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम में आपको कितने कितने परसेंट लाने हैं, वो चीजें भी आपको यहाँ डिटेल डिस्कस कराए दी जाएगी, बता दिया जाएगा। और हमें देखना है कि किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस में कितनी चीजें होनी चाहिए। तो जो हमारा पोस्ट वाइज है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारा जैसे जूनियर मैनेजर है। ठीक है, जूनियर मैनेजर, तो सीबीटी की बात की हमने, तो हाँ सीबीटी इसमें होगा, जूनियर मैनेजर में सीबीटी होगा आपका। और सीबीटी के बाद अगर आप सीबीटी क्वालिफाई करते हो, अगर आप जनरल के, और नीचे नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको टोटल मार्क्स मतलब कि 120 का 40%, मतलब 42 नंबर, ठीक है, इतना लाओगे आप मिनिमम। ये DFCCIL की तरफ से मिनिमम बोला गया है, ना कि मैक्सिमम आपके कट ऑफ के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, जैसे जैसे आपका कट ऑफ जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाएगा। ठीक, तो जैसे आपका क्या है कि आप SC के हो या फिर OBC के हो या आप EWS के, तो उनके लिए 30% 120 का। ठीक है, अगर ST से आप बिलोंग करते हो तो उसके लिए आपको 25%। ओके, तो यहाँ आपका कंप्यूटर बेस्ड, ये आपका क्या होगा कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, इसकी माइनस मार्किंग जैसा मैंने बताया कि 1/4 0.25 इतना होने वाला है। जब इसको आप क्रॉस करते हो तो 3 टाइम, मतलब जितनी शीट है आपकी उतने के 3 टाइम्स स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। कहाँ के लिए? इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू यहाँ पे है, जूनियर मैनेजर में इंटरव्यू है। बच्चों का यहीं पे कंफ्यूजन था कि इंटरव्यू है या नहीं है, तो आप लोग देख लो कि इंटरव्यू है। ठीक है, तो इंटरव्यू होगा, उसके बाद जब इंटरव्यू में आप क्वालिफाई करोगे तो 1 टाइम्स किसके लिए बुलाया जाएगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा आपको। ठीक है, इंटरव्यू हो गया आपका, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, एंड देन आपका होगा क्या, देन आपको सिलेक्शन मिलेगा। ठीक, तो ये देख रहे हो कि आपको कितने प्रोसेस से होकर जाना पड़ा। अगर जूनियर मैनेजर की पोस्ट चाहिए DFCCIL में, तो आपको 1, 2, 3, 4 स्टेजेस से आपको क्या होना, प्रोसेस करना पड़ रहा है। यही अगर आपका सिविल एग्जीक्यूटिव है तो उसके लिए तो सीबीटी तो होगा ही, सेम सीबीटी। ठीक है, जैसा इसका होना है वैसे ही सेम सीबीटी होगा, 2 घंटे का होगा ये भी, दो घंटे का। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा यहाँ पे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1 टाइम्स यहाँ बुलाए जाएंगे। यहाँ पे क्या था, इंटरव्यू के लिए 3 टाइम्स बुलाए जा रहे थे, यहाँ पे आपको 1 टाइम्स बुलाए जाएंगे। और यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है, ठीक है, इंटरव्यू नहीं है, ये प्लस पॉइंट है हमारे लिए। ठीक, अब फिर यहाँ पे मेडिकल है, इसमें भी मेडिकल है, देन आपका सिलेक्शन। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोगों ने देख ली। हम सिविल के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए हमने सिविल के बारे में डिस्कस किया। ठीक, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोटिफिकेशन में अगर दिखा दिया जाए तो आपको पता चल जाता है। यहाँ जैसे आप देख रहे हो कि जो माइनस मार्किंग है 0.25, जैसा मैंने बताया आपको, ये बिल्कुल नोटिफिकेशन में आपको दिख गया है, यहाँ से आप लोगों ने देख लिया। तो यही सब चीजें हैं यहाँ पे देखने को आपको। ठीक है,
यही सब चीजें यहाँ पे नोटिफिकेशन में आप देख रहे हो सारी चीजें, कि जो आपका इंटरव्यू है इंटरव्यू के लिए कितना होना चाहिए, जैसे कि आपका टोटल जो टोटल फाइनली जो सिलेक्शन होगा वो कैसे बनेगा। तो फाइनली सिलेक्शन के लिए आपका 85% जो है आपके सीबीटी एग्जाम का मार्क्स लिया जाएगा, ठीक। और वन मतलब कि आपका 15% जो है 15% वो आपके इंटरव्यू पर डिपेंड करेगा, ठीक। तो इतने मिला के आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा, फाइनल लिस्ट बनेगी, उसी में आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो मतलब कि ये DFCCIL का टोटल ऑल ओवर आपको सिलेक्शन पता चल गया बहुत अच्छे तरीके से। और अब आपको बेस्ट ऑफ लक कि आप बिल्कुल अच्छे से सेलेक्ट हो जाओ एकदम अच्छी तरीके से, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।